नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्णा, जय माता की, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो दर्शकों, आज हम बात करेंगे कि कैसे पौधे आपके जीवन में सकारात्मकता ला सकते हैं और कौन से पौधे आपके जीवन में सकारात्मकता ला सकते हैं, इस पर बात करेंगे। गुलाब टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कपादस्त्र हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। दोस्तों, आज आपके पसंदीदा शो गुड़लक टिप्स में हम बात करेंगे कुछ ऐसे प्लांट्स के बारे में, ऐसे पौधों के बारे में जिन्हें आपके बिजनेस में, आपके ऑफिस में, आपके शोरूम में, आपकी दुकान में, आपकी फैक्ट्री में, आपके शोरूम में लगाने से चमक उठेगी किस्मत, चल पड़ेगा आपका व्यापार, बरसने लगेगा धन, पढ़ने लगेगी तिजोरी भी छोटी। तो आप आश्चर्य कर रहे होंगे, आश्चर्य मत कीजिएगा, जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइएगा, लिखते जाइएगा, क्योंकि इस तरह की जानकारी सिर्फ और सिर्फ आपके पसंदीदा न्यूज चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान के पसंदीदा शो आपकी गुड लक टिप्स में ही बताए जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी शो के माध्यम से देने जा रहा हूं, पूरा शो देखिएगा, छोड़ के मत जाइएगा। चलिए, और अब आपको बताते हैं कि कौन से पौधे आपके जीवन में पॉजिटिविटी लाएंगे, कौन से पौधे आपके जीवन में सकारात्मकता लेकर आएंगे। दोस्तों, आप, हम, हर कोई चाहता है कि हमारी पर्सनल लाइफ की तरह हमारी जो प्रोफेशनल लाइफ है वो भी शानदार हो, हमें तरक्की उन्नति मिले, खूब प्रसिद्धि मिले। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि किसी ना किसी तरह का स्ट्रेस या टेंशन हमेशा हमारे आसपास मौजूद होती है, जो कि हमारी सक्सेस को प्राप्त करने में रोड़े अटकाती है। फेंग शुई शास्त्र में आपके बिजनेस प्लेस, आपके ऑफिस, आपके शोरूम, आपकी दुकान के माहौल को आपके फेवर में करने के लिए, अनुकूल बनाने के लिए, सकारात्मक बनाने के लिए, पॉजिटिव बनाने के लिए, माँ लक्ष्मी, कुबेर, गणेश को आकर्षित करने के लिए कुछ विशेष प्लांट्स अर्थात पौधों को लगाने के बारे में बताया गया है। उन पौधों को अपने व्यापार स्थल पर, अपने बिजनेस प्लेस पर, अपनी दुकान में, अपनी शोरूम में, अपनी फैक्ट्री में लगाने से न सिर्फ आपके बिजनेस प्लेस, आपके ऑफिस, आपके शोरूम का माहौल खुशनुमा रहता है, बल्कि तरक्की, उन्नति, धन कमाने के रास्ते खुल जाते हैं। तिजोरी के अंदर गणेश जी, कुबेर परमानेंट से निवास करने लगते हैं माँ लक्ष्मी के साथ। बस ख्याल ये रखना है कि कौन से प्लांट लगाए जाएं। तो दोस्तों, आज मैं आपके पसंदीदा शो गुल्लक टिप्स में आपको बताऊंगा कुछ ऐसे प्लांट्स के बारे में जिन्हें अपने घर की बगिया में, अपने ऑफिस में लगाने से, रखने से आता है गुड लक, सवरती है बिगड़ी हुई किस्मत, मिलता है छप्पर फाड़ के धन, होती है सुख सौभाग्य की बारिश। तो आइए जल्दी से समझ लेते हैं प्लांट्स के बारे में, ऐसे प्लांट्स जो आपके सोई हुई किस्मत को भी जगा सकते हैं। सबसे पहले मैं प्लांट की बात कर रहा हूं। सबसे पहला प्लांट है मनी प्लांट। घर घर के अंदर आपने देखा होगा मनी प्लांट। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, मनी प्लांट अर्थात धन का पौधा। यह पौधा जितना हरा होता है, जितना हरा होता है, धन का आगमन उसी तेजी से होता है। मनी प्लांट के पत्तों का मुरझाना, सफेद हो जाना अशुभ माना जाता है, ऐसे पत्तों को हटा देना चाहिए। और ध्यान रखें, भूमि के ऊपर, जमीन के ऊपर जो मनी प्लांट फैलता है, ऐसी जो बेल होती है, ऐसी जो मनी प्लांट होता है, वो दोषकारक होता है। मनी प्लांट का पौधा आपकी लाइफ को आर्थिक और सामाजिक रूप से समृद्ध करता है। मनी प्लांट का पौधा लगाने से आपको तरक्की मिलती है, सफलता की राहें आपको खुलती हुई दिखाई देती है। हमेशा ध्यान रखें, मनी प्लांट अगर ऊपर से नीचे लटका हुआ आ रहा होगा तो डाउनफॉल आएगा, और नीचे गमले से ऊपर मनी प्लांट जा रहा होगा तो लाइफ के अंदर तरक्की, उन्नति, धन की बारिश होगी। दूसरा प्लांट, स्नैक प्लांट। स्नैक, सांप जिस बोलते हैं, सांप जैसा उसका पत्ता होता है, स्नैक प्लांट बोलते हैं। स्नैक प्लांट घर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन ये स्नैक प्लांट जो है, बेहतर नींद लाने के लिए, कंफर्टेबल स्लिप,
में भी आपकी मदद करता है। स्नेक प्लांट जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड और प्रदूषित हवा को अपने अंदर खींच लेता है, इसलिए शुद्ध हवा पाने के लिए इसे आप स्नेक प्लांट को अपने घर में, अपने ऑफिस में लगा सकते हैं। स्नेक प्लांट की एक और खास बात है, रात में जब सारे पौधे नाइट्रोजन छोड़ते हैं उस वक्त ये स्नेक प्लांट ऑक्सीजन छोड़ता है, साथ ही नकारात्मक शक्तियों को भी दूर करता है। तो बहुत ही अच्छा खूबसूरत प्लांट है स्नेक प्लांट, आप फोटो भी इसकी देख सकते हैं। अगला जो पौधा है ड्रासाइना पौधा यह पौधा आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, आत्मविश्वास को बढ़ाता है, प्रेरणा से लबरेज कर देता है, किसी भी कार्य को करने के लिए प्रोत्साहित करता है। एक पौधा आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकता है, बड़े आश्चर्य की बात है, झूठ नहीं बोल रहा हूं, सत्य बोल रहा हूं, रख के देखिएगा। इस पौधे को रखने से कॉन्फिडेंस में वृद्धि होती है, आप सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ते हैं। ऐसे ड्रासाइना के पौधों को ऑफिस में लगाना फायदेमंद होता है, क्योंकि फेंगशुई के अनुसार इसमें लकड़ी और आग के तत्व मौजूद है जो हर वक्त आपकी एनर्जी को बढ़ाते रहते हैं, इंक्रीज करते हैं। ऑफिस में लगाएंगे तो ऑफिस के जो आपके स्टाफ है उनके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा, काम करने के अंदर उनकी कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अगला जो पौधा है वो है बैम्बू, ये भी आपने एक कॉमन पौधा सुना होगा, बैम्बू ट्री। बैम्बू का पौधा लगाने से व्यक्ति के अंदर गजब का आत्मविश्वास आ जाता है, उसका पूरा स्ट्रेस वो बैम्बू ट्री के घर में रहने से, ऑफिस में रहने से, शोरूम में रहने से दूर हो जाता है। बैम्बू ट्री लक को चमकाता है, फूटी किस्मत को चमकाता है, धन धान्य की बारिश कराता है। अगर आप बैम्बू ट्री को अपने ऑफिस में रखते हैं तो आपकी किस्मत और धन दोनों ही आपके फेवर में हो जाते हैं। यदि आप अपने ऑफिस में अपनी टेबल के ऊपर रखते हैं तो मेंटल डिप्रेशन से मुक्ति मिलती है। बैम्बू ट्री न केवल क्रिएटिविटी को बढ़ाता है बल्कि आपके कॉन्फिडेंस को भी अप करता है, हाई करता है जी। और पंडित जी, अब और पौधों के बारे में भी जानना चाहेंगे, जैसे एरिका पाम, उसके बारे में कि वो कैसे पॉजिटिविटी लेकर आता है। जी बहुत ही आज महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको आपके पसंदीदा शो के माध्यम से देने का प्रयास कर रहा हूँ। अब मैं बात कर रहा हूँ एरिका पाम, ये आप नाम नोट करते जाइएगा, आपके पास में जो भी नर्सरी हो वहाँ पौधे मिल जाएंगे आपको। एरिका पाम यह पौधा नारियल के पेड़ की तरह ही दिखता है, ऑफिस में इसे रखना शुभ माना जाता है। ऑफिस में रखें तो आपके आसपास शुद्ध हवा का संचार होता है, पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो होता है, साथ ही सकारात्मक शक्ति का भी संचार होता है। कई सारे ऐसी चीजें बताई गई हैं, ऐसे पौधे होते हैं जो हमारे आसपास पॉजिटिविटी लाते हैं, एरिका पाम उनमें से ही एक पौधा है। इसे लगाने से निश्चित तौर पे आपके जीवन में, आपके कैरियर में पॉजिटिव आपके थॉट्स हो जाते हैं, एनर्जी आती है, नकारात्मक विचारों से मुक्ति मिलती है, स्थितियाँ चाहे कैसी भी हो सोच सकारात्मक बनी रहती है। चाइनीज मनी ट्री की बात कर लेता हूँ, मनी प्लांट तो सभी अपने घरों में लगाते हैं लेकिन ऑफिस टेबल पर लगाने से आपकी तरक्की की राह खुल जाती है, खूब पैसा आपके ऊपर बरसने लगता है। अब एक और पौधा है मोथ ऑर्किड, कुछ जगह ऑर्चिड भी बोला जाता है, मोथ ऑर्चिड या ऑर्किड। इस पौधे को ऑफिस में रखना अति उत्तम कहा गया है। आप जब भी ऑफिस में अपने काम से थकान महसूस करने लगे, इन फूलों पर आपकी नजर जाएगी तो क्षण भर में आपकी वो थकान दूर हो जाएगी। एक अलग सी पावर, एक अलग सी शक्ति का एहसास उस पौधे को देखने मात्र से होता है। यह पौधा अंधेरे में प्रकाश का संचार करने का संदेश देता है। इसे लगाने से व्यक्ति को विपरीत परिस्थितियों में डर नहीं लगता है, किसी भी स्थिति का सामना करने की हिम्मत आती है, सफलता प्राप्त होती है। और एक प्लांट है जेड प्लांट एक मीडियम साइज का कैक्टस प्लांट है। इसके बारे में फेंगशुई में कहा गया है कि ऑफिस में लगाने से पैसा आता है, सुख समृद्धि में वृद्धि होती है, दरवाजे के पास इसे एंट्रेंस में लगाना चाहिए। यह पौधा लगाने से खूब तरक्की मिलती है, कहते हैं कि जैसे जैसे जेड प्लांट बढ़ता जाता है तरक्की और समृद्धि आती जाती है।
पीस लिली, यह पौधा हल्की रोशनी में भी बढ़ता हुआ दिखाई देता है। इसमें सफेद रंग के पुष्प आते हैं। ऑफिस में इसे रखने से वातावरण शांत रहता है, थकान के बीच देखना सुखद एहसास देता है। तो दोस्तों, ये तो कुछ प्लांट्स बताए पंडित जी ने जो आप अपने घर में लगा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी जानकारी के लिए। आप सभी दर्शकों का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, जल्द लौटते हैं।